रहे हो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आज का जो टॉपिक है या फिर आज हम जो ये पैनल डिस्कशन इफ आई वुड बी सेइंग है ना कि आज का जो ये पैनल डिस्कशन होने वाला है अमेजिंग होने वाला है। आज आपको बहुत सारी आज आपको जानकारी आज आपको मिलेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम बात करते हैं या फिर जब हम किसी से बोलते हैं तो एक ही बहुत एक बड़ा सा एक प्रश्न आता है, क्या हम डॉक्टर से एक बार क्या हम डॉक्टर की हम राय ले कि डॉक्टर क्या सोचता है इस बारे में, डॉक्टर की क्या थिंकिंग है ना? क्योंकि अगेन जिस तरीके का भी सिनेरियो चल रहा है, जिस तरीके का पेंडेमिक चल रहा है, वहां पे डॉक्टर्स जो बोलते हैं वो ऑफकोर्स हमें डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं वो हमें से हर किसी को सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए एज अ वेस्ट मार्केटिंग टीम हम सब ने ये चीज सोचा क्यों ना आज हम एक ऐसे ग्रुप को आज हम इन्वाइट करें, हम एक ऐसे एक सेशन को हम लोग ऑर्गेनाइज करें जहां पर हम ना बात करें लेकिन हम डॉक्टर्स के मुंह से हम ये जाने कि वाई इम्यूनिटी इज इम्पॉर्टेंट। आज हम लोग क्यों आज हम लोग इम्यूनिटी के बारे में बात करें और हमें इम्यूनिटी के लिए हमें क्या क्या चीजें करना इम्पोर्टेंट है ठीक है। तो वही सारी चीजें के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ में फोर वेरी स्पेशल पर्सन आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से वो आज आप सभी को आज वो जानकारी देंगे, आप सभी को आज वो बताएंगे। बस ये है कि वो जो भी बता रहे हैं आप सबको एंड तक रुकना है, सुनना है और वो जो बताते हैं उसके बाद में उसी के ऊपर में आपको काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब की लिंक काफी लोग पूछ रहे हैं, आई थिंक सो ऑलरेडी चैट बॉक्स में मयूर ने अभी ग्रुप में यूट्यूब की लिंक आपके साथ में शेयर कर दिए हैं। हमने भी मैं मयूर और हमारे साथ में जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप है उसमें भी हम लोगों ने यूट्यूब की लिंक आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है। तो प्लीज आप सभी लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए और अब हम ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लेंगे और यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछने के लिए मैं अपने कलीग मयूर को पुणे से इनवाइट करना चाहूंगी जो कि आके इस वर्चुअल स्टेज पे हमारे फर्स्ट स्पीकर को यहाँ पर इनवाइट करेंगे। तो ओवर टू यू मयूर। Shirley, I am really happy today for this event. Yeah, we were not able yeah, to hear yeah. you. Yeah. Great. So I'm super happy for. Okay. Am I audible now? Yes, no, you are. Okay. So I'm super excited for this event, Shirley, today, because immunity is a very hot piece of cake. अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो समय हमारा है, ये बहुत ही critical समय है देश जिससे गुजर रहा है. आप देख रहे हैं सारे country में you know immunity system, immune system के weak होने के कारण बहुत सारे cases बढ़ रहे हैं. तो इन सारी चीजों से बचने के लिए या अपनी immunity को improve करने के लिए मैं यहाँ पे stage पे हमारे पहले speaker को invite करना चाहूँगा, डॉक्टर फिरोज सागर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं. डॉक्टर फिरोज साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम टुडे एंड जॉइनिंग अस एंड यू नो अग्रीइंग टू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज विद अस. मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल है सर कि अडल्ट्स में यानी ग्रोनअप्स में क्या चैलेंजेस होते हैं, इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है और क्या क्या चैलेंजेस एक एडल्ट लाइफ में फेस करता है यू नो इन टर्म्स ऑफ इम्यूनिटी. ओवर टू यू सर. थैंक यू वेरी मच. कैन आई हैव द शेयर ऑफ द स्लाइड्स प्लीज? दैट्स ओके. Yes, sir, you can share. Okay, before the slide comes in full, I would like to quote Gabbar Singh from the film Chole. And he made this dialogue very, very popular by saying, Jo dar gaya, samjho mar gaya. And same dialogue applies to our life too. Because when this pandemic is going on, mahamari chal rahi hai, aur log bahut ओवर इंफॉर्मेशन ले लेते हैं फ्रॉम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फ्रॉम न्यूज पेपर फ्रॉम टेलीविजन एंड दे आर सो स्केयर्ड फॉर देयर लाइफ दैट दे प्रॉब्ली डोंट फोकस ऑन द राइट थिंग एंड दे आर मोर टुवर्ड्स प्रिवेंशन मोर टुवर्ड्स क्लोजिंग देमसेल्व्स अप फ्रॉम द वर्ल्ड एंड दैट पुट्स देम इनटू डिप्रेशन एंड दैट्स अ वेरी वेरी बैड थिंग दैट कैन हैपन टू देम. आइडिया इज देयर इज अ लॉट ऑफ गुड एजुकेशन अवेलेबल. पूरी तरह से एजुकेशन आप लीजिए, उसका उचित कदम उठाइए, फिर डरने की कोई बात नहीं है. यू नो डर जाता है जो उसका बल टूट जाता है, उसकी विल पावर टूट जाती है और वो उसके अंदर से ढेर सारे स्ट्रेस हार्मोन्स सच एज द एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोन्स हमेशा रिलीज रहती है जो कि उसके बॉडी को पूरा यू नो उसके इम्यून सिस्टम को पूरा सत्यानाश कर देती है. तो देखा गया है कि जो डरे लोग रहते हैं रस्ते पे कुत्ते को देखकर डर जाते हैं तो कुत्ते उनको हेड पे काटेंगे. फॉर इंस्टेंस इफ अ कॉन्फिडेंट पर्सन इज गोइंग ऑन द सेम रोड द सेम डॉग विल नॉट बाइट हिम बट इफ द पर्सन इज रियली स्कैर्ड एंड ही लुक्स एट द डॉग एंड शोज हिज वरी द
the dog probably will try to attack him. Saap ke saath bhi yahi dekha gaya hai. Even the snake attacks a person who is more scared and less confident. जंगल में देखा जाएगा तो अगर आप एक आदमी शेर के सामने आ जाता है, sometimes the lion will just look at you till they see there is no worry, no scare. और बिना डरा हुआ इंसान को वो छोड़ के चला जाता है. But if a person is even slightly scared, उसके अंदर के जो cortisol levels होते हैं, उसके द्वारा वो शेर उसको जाके नोचता है, छेड़ता है, and then he makes the person more scared. और डरा हुआ इंसान को he will start eating and attacking. तो वही चीज हम कहना चाह रहे हैं कि डरना नहीं है. Take information, उचित steps लीजिए, and then you don't have to worry about anything. Am I visible? And audible? Yeah, you're audible. Very good. Yeah. Okay. Now, how does the immune system work in adults, and what are the challenges you face due to weak immunity? Okay. And इसमें कहते हैं कि हमारा आज का टॉपिक जो है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता किस प्रकार काम करती है और उसकी कमजोर पड़ जाने पर किस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. स्लाइड नंबर 2 में बताया है कि दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है, एक नेचुरल इम्यूनिटी, दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी. और उसके ऊपर जो इम्यूनिटी होती है वो हमारे नेचुरल इम्यून सिस्टम किस प्रकार से बनी है कि वो किसी भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया या कीटाणु को, नुकसान देने वाले कीटाणु को, वो शरीर में घुसने ही नहीं देती है. ये जो इन्नेट इम्यून सिस्टम है, नेचुरल इम्यून सिस्टम की क्या बात है कि हमारे अंदर उदाहरण के तौर से हमारी चमड़ी है, आंख और नाक के बाल हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन है, आंसू, पसीना आदि, ये सब हमारी नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट है. तथा हमारे इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिस्टम भी इसी में कि कहीं चोट लगने पर वहां ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, इसके कारण जल्दी से जल्द उसकी चोट ठीक हो जाती है. ल्यूकोसाइट्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, ये हमारी शरीर की सेना है. ये 8 प्रकार के होते हैं और कोई भी पैथोजन अगर हमारे बाहर के बैरियर जो हम कहते हैं स्किन है, आंख के बाल है, नाक म्यूकोसा लेयर है, पेट है, पेट की एसिडिटी है, वो सबको अगर पार करके शरीर के अंदर घुस जाता है तो वो पैथोजेनिक कीटाणु जो है इट इज इनगल्फ्ड बाय द WBC और वहां पे वो ज्यादा से ज्यादा उसको अटैक करके उसको खत्म करने की शक्ति रखता है. तो दिस इज आवर शरीर की सेना. हमारे दूसरे प्रकार की जो इम्यूनिटी, दो प्रकार की होती है, एक नेचुरल दूसरी एक्वायर्ड, उसका अच्छा उदाहरण होता है टीकाकरण, वैक्सीनेशन, जो आजकल जिसकी बात बहुत चल रही है. इसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, इट इज मैन मेड और ये नेचुरल इम्यूनिटी से धीमा काम करता है किंतु लंबे समय तक काम करता है. जब कोई बीमारी शरीर में घुस जाती है, घुसनी नहीं चाहिए लेकिन घुस ही गई, तब शरीर बीमार पड़ेगा या स्वस्थ रहेगा विल डिपेंड ऑन कितनी जल्दी हमारी प्रतिरोधक क्षमता उसके ऊपर हावी होकर उसे खत्म कर देती है. अगर उम्र बढ़ने पर जो लोग एजेड हो जाते हैं उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है. रिस्पॉन्स टाइम ऑफ इम्यूनिटी इज लाइक कंपनी जो सपोज रिस्पॉन्स टाइम ऑफ अ यंग एंड ओल्ड ड्राइवर, जो यंग ड्राइवर होते हैं वो स्पीड में चलाते हैं, दे डोंट केयर बिकॉज दे नो दैट अगर कुछ भी होगा तो उन लोग तुरंत ब्रेक मार लेंगे. और जो 60 साल के ऊपर के ड्राइवर होते हैं दे आर वेरी कॉशियस ऑन द रोड बिकॉज उनकी इम्यून टाइम कम होती है. उसी तरह हमारी इम्यून सिस्टम भी ओल्ड एंड यंग के लिए अलग अलग काम करती है. दैट्स व्हाई ओल्डर पीपल हैव टू बी मोर वरीड. अब हमारे जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के रिसर्च के अनुसार से साबित हुआ है कि कोविड उनको ज्यादा उन लोगों को ज्यादा होता है जिनकी न्यूट्रिशन इनटेक में कुछ कमियां होती है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च और उसमें बताया गया है कि न्यूट्रिशन और कोविड-19 और न्यूट्रिशन में क्या संबंध है. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दैट एंड वी शुड नो दैट. और अगर हमारी इम्यूनिटी में कमजोरी हो जाती है हमारे सारे सिस्टम जो है वो फेल होने लगते हैं और वे जानलेवा भी हो सकते हैं.
ये आपने मल्टी ऑर्गन फेलियर का नाम सुना होगा. जब इम्यून सिस्टम फेल होने लगता है हम लोग को दवाई देते हैं और स्ट्रेस होता है और डर जाते हैं, हर प्रकार से प्रॉब्लम जब एक्यूमुलेट होने लगती है तो हमारी ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग, मसल टोन फेलियर, ये सब चीज जुड़ के इट बिकम्स वेरी बैड फॉर द डॉक्टर्स. आई मीन दे कांट सेव अ पर्सन लाइक दैट, इट्स लाइक स्लिपरी स्लोप. आदमी जितना चाहता है वो नीचे ही जाता है. So we have to be very careful. In prevention is better than cure. डरना नहीं है लेकिन हमारी बीमारियों को इज्जत कीजिए and make sure that you know what you are doing. डरने की कोई बात नहीं है. You have got people to help you. And then if you do the right things, ये नौबत आती ही नहीं है. सिस्टम फेलियर के उदाहरण जो आपने सुन लिए, फिर हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कमजोरी कहाँ से शुरू होती है? क्योंकि हम ठीक से खाते नहीं है, ठीक से हम सोते नहीं है, व्यायाम तो करते नहीं है. इन सब लापरवाहियों के कारण हमारा स्ट्रेस बढ़ने लगता है और जब स्ट्रेस बढ़ने लगता है तो हमारी परेशानी हमारे आहार, किस प्रकार का आहार खाते हैं हम, व्हाट इज आवर न्यूट्रिशन इनटेक, 7 से 8 घंटे सोते हैं और उचित व्यायाम करते हैं जैसे कि योगासन है, प्राणायाम है, ब्रिस्क मॉर्निंग वॉक है, एक्सेट्रा, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड लेते हैं, हमारे एसोसिएशन को सुधारते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ये सब करने के बाद देखते हैं कि हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और थोड़े समय में योग मुक्त भी हो जाते हैं और हमेशा वैसे ही रहेंगे उसके बाद. हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, एसेंशियल फैटी एसिड जिसको ओमेगा 3 भी कहते हैं, एडेप्टोजेंस, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब की आवश्यकता बहुत पड़ती है जो कि आज हमारे भोजन में उपलब्ध नहीं है अनफॉर्चुनेटली. ये इस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या गैप को पूरा करने के लिए हम सप्लीमेंटेशन की आवश्यकता बहुत जरूरी है हमें. ये इसलिए ज्यादा हो चुका है क्योंकि हम लोग जीन मॉडिफाइड डाइट खाने लगे हैं, ओवर फर्टिलाइजेशन होने लगा है फार्म में, हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल यूजेज ऑफ ऑन फार्म्स बढ़ गए हैं, पेस्टिसाइड, कीटनाशक, फफूंदीनाशक, प्रोसेस्ड फूड खाने लगे हैं, एडिटिव्स बहुत होते हैं प्रोसेस्ड फूड में, वो सब हमारे पेट में जा रहे हैं. इससे हमारी न्यूट्रिशन गैप बढ़ती जा रही है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और उसको कम करने के लिए वो 4 फैक्टर्स जो हमने पहले स्लाइड में बताए, जो कि रेगुलर एक्सरसाइज है, रात को 7-8 घंटा सोना है, पॉजिटिविटी लानी है और प्रॉपर न्यूट्रिशन खाना है, ये सब करने से होता क्या है कि जो हमारे स्ट्रेस हॉर्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, जो कि थोड़े समय के लिए आए तो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, ज्यादा समय के लिए आने पर शरीर को तोड़ देते हैं, एंड दीज आर रिप्लेस्ड सिस्टमेटिकली विथ हैप्पी हॉर्मोन्स सच एज डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन, ये सब खुशहाली के हॉर्मोन्स होते हैं जो कि हमको शांति देता है, हेल्दी रखता है, एंड वी आर फिट एंड फाइन. डू आई हैव अनदर मिनट और टू प्लीज? ये टाइम हो गया है. यस सर, यस सर, यू कैन जस्ट हैंड ऑफ. यस, मैं अंत में फिर वही कहूंगा और वही चीज दोहराऊंगा कि डॉक्टर सिंह की लाइन कि जो मर गया, जो डर गया समझो जो मर गया. एजुकेट योरसेल्फ अबाउट दिस सब्जेक्ट. हाँ, पेंडेमिक बहुत खतरनाक तो है किंतु अपने को एजुकेट कीजिए. हैव अ हेल्दी रिस्पेक्ट फॉर योर एनिमी एंड स्ट्रेंथन द फोर्ट्रेस विद इन यू. इग्नोरेंस यानी अज्ञान रहने से फायदा कुछ नहीं है. शरीर को कुछ बेसिक नियमों का पालन कीजिए और स्ट्रेस फ्री तथा डिजीज फ्री जीवन बिताइए. चेंज द वे यू लिव and be a live example to others to follow you. God bless you. All the best. And thank you very happy birthday, Shirley. Thank you so much, sir. Thanks a lot. And I believe sir is giving a very good information. बिल्कुल मतलब point पे sir ने बताया कि जो डर गया यानी वो मर गया, है ना? So हमें डरना तो बिल्कुल भी नहीं है. और हमें क्योंकि जहाँ पर हम डर जाते हैं, yes of course बहुत सारी चीजें unnecessarily हमारे अंदर में वो raise होने लग जाती है, है ना? तो हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है. हमें बस एक चीज कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन यस ऑफ कोर्स जो प्रिकॉशन लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो सर ने तो अभी ये बिल्कुल बता दिया है, फर्स्ट पॉइंट बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर करे हैं. तो अब हमारे जो आज के जो नेक्स्ट जो हमारे स्पीकर हैं, तो मैं उनको अब इन्वाइट करना चाहूंगी. तो उनका नाम है डॉक्टर सोनाली बिजलानी. तो जब डॉक्टर सोनाली मैम जब यहाँ पर आती है, तो मैम की जो मैं एक्सपीरियंस है, जो मैम से जो मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग लेडीज के ऊपर में एक प्रश्न करें. क्योंकि जब मेरी बात होती है या फिर हम लोग देखते हैं, तो उनको हमें ये लगता है कि लेडीज का जो इम्यूनिटी है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है और कभी कभी हमें ऐसा लगता है बहुत वीक है. ठीक है, तो
रिलेटेड टू दिस पेंडेमिक अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर शोनाली मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर हम इस पेंडेमिक की अगर हम बात कर रहे हैं और तो मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ कि इस जो पेंडेमिक में है ना आपको क्या लगता है कि लेडीज की जो इम्यूनिटी है वो किस तरीके से इफेक्टेड हो रही है, क्या रीजन है कि वो मतलब वैसे तो जनरल में भी होता है लेकिन स्पेसिफिक ये जो रीजन है यानी ये जो हम जो सारी चीजें हम देख रहे हैं पेंडेमिक उसमें किस तरीके से इफेक्ट हो रही है, तो वो मेरा क्वेश्चन है और मैं चाहूंगी कि आप इसके ऊपर में आंसर दें। श्योर, थैंक यू। कैन यू हियर मी क्लियरली? या ऑल राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे शर्ली। थैंक यू सो मच मैम। इट्स अ लवली क्वेश्चन और डॉक्टर सागर ने बहुत यू नो इनिशियल में बहुत कुछ बता दिया फॉर अडल्ट्स। अभी अडल्ट लेडीज भी होती है तो दोज थिंग्स अप्लाई टू लेडीज ऑल्सो, बट आई विल गिव यू वन गुड न्यूज राइट। जेनेटिकली ना बायोलॉजिकली वीमेन हैव अ स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर होती है आदमियों से। सो जेनेटिकली बिकॉज सेक्स हॉर्मोन्स हैं उनके तो उनकी फाइटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है फ्रॉम मेल्स। इन द पैंडेमिक स्पेशली मैं स्टैट्स देख रही थी, नॉट अ गुड थिंग टू से बट डेथ रेट इन मेन इज मोर, समवेयर द वीमेन हैव स्कोर्ड ओवर, ठीक है। सो दैट्स अ गुड थिंग। हाउएवर अगर ये इम्यूनिटी लॉन्च करने का जो है विमेन में ज्यादा है, दैट कैन बी गुड एंड बैड टू वेज राइट। गुड बिकॉज जब जरूरी है वो कभी हाइपर मोड में भी चला जा सकता है, और जब इम्यूनिटी हाइपर मोड में चली जाती है तो हम ऑटो इम्यून, यू नो इम्यूनिटी इट स्टार्ट्स अटैकिंग योर नॉर्मल बॉडी सेल्स। इसीलिए यू नो जनरली लेडीज को ऑटो इम्यून, कभी थायरॉयडाइटिस होता है, थायरॉयड इश्यूज होते जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम हाइपर ड्राइव में जब कोई इम्यून सिस्टम जाता है देन इट बैकफायर्स और वो ज्यादा डैमेज कॉज करता है रादर देन गुड राइट। सो दिस इज लाइक अ डबल एज्ड सोर्ड, दोनों तरीके तरफ से इट कैन बी गुड और बैड राइट। नाउ कमिंग टू लेडीज स्पेशली एंड मैं थोड़े से उनके बारे में हाईलाइट करूंगी। उनकी इम्यूनिटी ड्यूरिंग द मंथ की साइकिल ऊपर नीचे हो सकती है राइट। सो दे हैव टू टेक केयर। अगर ऑलरेडी आपको प्री एग्जिस्टिंग कोई इश्यूज हैं, शायद लेडीज में देखा गया है स्पेशली अनीमिया हमारे कंट्री में बहुत है जब हीमोग्लोबिन कम होता है राइट। व्हेन हीमोग्लोबिन कम होता है नेचुरली आपकी इम्यूनिटी लो रहेगी। अनदर थिंग इज अगर आपको एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या बिकॉज ऑफ एज यू नो यू हैव इम्यूनिटी माइट स्टार्ट डिक्रीजिंग विद एज जस्ट नेचुरली ओके। तीसरा आपका डाइट, लेडीज इफ योर वेट इज नॉट इन चेक राइट एंड इफ यू आर स्ट्रेस्ड आउट, जैसे डॉक्टर सागर ने बहुत अच्छे तरीके से बोला हाउ आई एक्सप्लेन स्ट्रेस, यू नो सबको स्ट्रेस है एंड पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का एक मैसेज, एक सुबह का मैसेज देख के पिल पॉप नहीं हो जाता राइट। इट इज आपकी कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या है स्ट्रेस के लिए। एवरी पर्सन हु वॉक्स इन इज स्ट्रेस्ड, इज पैनिक, बट आप स्ट्रेस से कैसे डील करते हो दैट इज गोइंग टू मेक यू स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी वाइज ऑल्सो, मेंटली फिजिकली बोथ द वेज राइट। नाउ लेडीज आर अ लिटिल स्पेशल। आजकल बताओ पैंडेमिक में क्या हो गया है, स्कूल घर पे आ गया है, ऑफिस घर पे आ गया है, मेड्स बाहर चली गई हैं, राइट। सो यू आर द प्रिंसिपल, समटाइम्स यू आर द नर्स, अगर किसी को घर में कोई बीमार है तो आप नर्स का भी काम कर रहे हो। सो बाय द एंड ऑफ द डे आई थिंक मोस्ट ऑफ द लेडीज ना दे सो एग्जॉस्टेड, वो अपने आप को निग्लेक्ट करती है। सो वन मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज आई वॉन्ट टू गिव द लेडीज इज थोड़ा सेल्फिश बन के अपना ख्याल पहले रख। आपको सब पता है, कॉमन सेंस वाली चीजें सब बता रहे हैं हम, बट आप दूसरों के लिए सब करना चाहते हो बट समहाउ अपने आप को आप पुश बैक कर देते हो। सो इफ योर एम्प्टी कप यू कैन नॉट फिल एन अदर पर्सन कप राइट। सो फर्स्ट लर्न टू अडेप्ट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नुस्खे बहुत सिंपल है, स्ट्रेस रिड्यूस करना, हाइपर यू नो इवन एक्सरसाइज कैन बी अ स्ट्रेस। इफ आपको चॉइस मिले I need rest more or I need to do 1 hour of vigorous exercise, you choose to sleep and rest and recover. क्योंकि वहाँ पे आपका repair और you know the repair happen, restoration happens in sleep, right? Do things you enjoy. I know we are missing friends,
the going out, the shopping, the fun with the friends, everyone's become too serious. I want to see more people smiling, and haso thoda sa, right? It actually builds up your immunity. And stress is like, you know, bahut log darte hain jab hum steroids ka naam lete hain, right? Steroid khana pad raha hai mujhe. Steroids are good and bad. Stress is like internally being on a constant steroid. Is that good for you? Not really. It exhausts you in the end, right? So managing stress, thoda diet mein changes like clean eating, simple rakhiye khana. Sabki farmaish aapka kitchen bhi ban gaya hai, pata nahi hotel sometimes, right? So just simple, basic, clean eating, concentrate on fruits and vegetables. Take care of any jo pre-existing issues hain, jo aap suffer kar rahe ho, diabetes hai, blood pressure hai, hormone issues hai, unko anemia hai, inko pehle wo numbers ko sort out karke optimal range mein lai hai. Then look at how we can boost it. Immunity boosters kya hai? Hai. And ladies ki responsibility double hai. Because agar kitchen aur bachche aapke control mein hai na, you're bringing up future generation ko bhi aap nourish kar rahe ho. Aur ghar mein kitchen ka control aapke paas hai, to you're feeding and building people's immunity at home also. Right? So these are just very simple things, Shirley. Anything more you want to ask me? या मैम जस्ट वन थिंग कि लेडीज को जो स्पेसिफिक अगर हम बात करें मेनोपॉज का जब टाइमिंग आता है तो उस समय उनका जो इम्यूनिटी है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाता है. यस थायराइड है ना वीसे की और मेंस और वुमेन्स में अगर हम देखें तो लेडीज में सबसे ज्यादा थायराइड पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम्स देखी जाती है. सो ये कुछ ऐसे रीजंस है जिसके कारण वो वैसे ही अपने आप में बहुत ज्यादा अपने आप को बीमार बिल्कुल फील करने लग जाती है कि वी आर सिक. एक्चुअल में ये बीमारी नहीं है, दिस इज जस्ट अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लेकिन वो अपने आप को बीमार फील करना बीमार फील करने लगते. तो ऐसे समय में मैम आप क्या बताना चाहेंगे लेडीज के लिए? Sure. See, menopause natural है, like I said, women engineered है genetically because of the sex hormone, especially estrogen, to give a launch a good immune attack, right? पर जब menopause में estrogen की मात्रा कम होने लगती है, naturally थोड़ा सा immunosuppression जिसको बोलते हैं, immunity dip हो सकती है. But it is something which is can be taken very naturally, right? You have to be prepared for it. Aajkal kya dekha gaya hai? It's not just menopause. We call it perimenopause. Matlab 1 to 3 years in and around, aapko ek syndrome of symptoms shuru ho sakte hain. So agar aap 3 saal tak rukwe rahoge, us you know with that mindset ke ye kab khatam hoga ya kuch ho gaya hai aapko, you're not normal. That's not okay. It's about, like Shirley said, एक lifestyle आपको adapt करना है, adopt करना है, और एक healthy lifestyle you'll have to make some changes. थोड़ा metabolism slow हो रहा है, आपको weight at that time वजन बढ़ रहा है, right? थोड़े supplementations extra ज़रूरत होगी, थोड़ा एक gynec checkup होगा to make sure that there are no other issues. All ये चीज़ें आपको definitely एक बार एक gynec visit, and there's so much authentic information. WhatsApp or nusko pe mat jaiye. Get your information from the right place. And every lady, I'm telling you, ek one size fits all nahi hota hai. Har ek individual ka, whether it's supplementation or whatever, ek unique customization ho sakta hai. Right? Maybe aapko iron or calcium ki zarurat hai. Kisi aur ko kuch aur ki zarurat hai. Right? Hormones ki bhi zarurat ho sakti. Some ladies might need additional hormone supplementation. Par wo aapko pehchanna chahiye. So first of all, seek help. Aap superwoman mat banne ki koshish kariye. Ek bar jaanch lo, get the right information and then deal with it. See, immunity or all these issues, lifestyle diseases, matlab kya, you're usually living with them. But I'll tell you one thing. Lifestyle diseases are all reversible. If you change your lifestyle, right? So lifestyle badalne ke liye to bahut, it's just khana peena, rest, exercise, and it is built. Ek constitution tayar hoti hai aapki body ki. Aur wo brick by brick, daily habit se form hoti. Ek baar gaye bas, tadka, you know, ek chutki mein ho gaya, aise nahi hoga. It is a daily habits, health habits that you form.
for yourself, for your family, right? So don't make it a pahad, deal with it, and it can be a pleasurable, healthy journey for you. Yeah, right? Thank you, Shirley, so back much. To you. थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनाली जी, आपने बहुत खूबसूरती से बताया. अगर मैं आपके बात को समअप करना चाहूँ तो ऑल व्हेनेवर वी ट्रैवल बाय एयरलाइंस और फ्लाइट, वहाँ पे हमेशा कहा जाता है कि ऑक्सीजन का दबाव कम होने पे सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं, उसके बाद बाजू वाले की मदद करें. महिलाओं के संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा, खासकर बिकॉज मैं अपने घर में मम्मी को देखता हूँ, वाइफ को देखता हूँ, छोटे भाई की वाइफ को देखता हूँ. सो सारी कोशिश, सारी एनर्जी जो जाती है वो इस बात में जाती है कि मयूर को सही टाइम पे खाने को मिल जाए, पापा को मिल जाए, फिर नाश्ते में क्या बने या बाकी चीज़ों में, और एंड देन हेल्थ, वॉकिंग, एक्सरसाइज, ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, ये सब आखिरी में जाता है. मैं यहाँ पे हर बार मैं घर पे भी यही कहता हूँ आपको, सभी को भी, महिलाओं को आज यही कहना चाहूँगा, देखिए हम तभी हेल्दी रह पाएंगे जब आप स्वस्थ रह पाएंगे, हम तभी खुश रह पाएंगे जब आप लोग खुश रह पाएंगे. और इसके लिए ना, जो अभी डॉक्टर साहब हार्मोन्स की बात कर रही थी, एंडोफिन की अगर मैं बात करूँ, डोपामाइन की मैं बात करूँ, ये हैप्पी हार्मोन्स हैं, ये तभी रिलीज होते हैं जब आप खुद के लिए थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा वॉकिंग, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा. जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना, चुटकी बजा से बता देते नहीं होगा. इट इज वेयर यू रिक्वायर, यू नो, खुद का ध्यान पहले रखिए, उसके बाद में. और ये ऐसा मत समझिए कि दिस इज सेल्फिशनेस, नो, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग द लीडर ऑफ द हाउस, है ना. तो घर कैसे, घर सभी के घर में जो होम मिनिस्टर होता है और प्राइम मिनिस्टर होता है वो महिला ही होती हैं, और वैसे ही घर अच्छे से चलता है. थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनाली जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने हमें समझाया. तो हमने एडल्ट्स की बात की, हमने महिलाओं की बात की, अब चलते हैं हमारे घर के नन्हे मुन्ने, हंसते खेलते, चिल्कारी मारने वाले, सबको खुश रखने वाले बच्चों की बात करने के लिए डॉक्टर सुरेश पाटिल साहब से. यहाँ पे मैं उनको इन्वाइट करूंगा. डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम, स्वागत है आपका ऑन बिहाफ ऑफ द वेस्ट मार्केटिंग टीम. सवाल बड़ा सिंपल सा है डॉक्टर साहब, कि क्या हमें करना चाहिए बच्चों की इम्यूनिटी को मेंटेन करने में. और एक चीज जो आजकल देखी जा रही है डॉक्टर साहब, आप अग्री करेंगे इस बात से, कि ड्यू टू लॉकडाउन कहिए या कुछ और कारण कहिए, बट देर आर दिस वन थिंग विच इज गोइंग इन यंग किड्स इज ओबेसिटी. यंग एज में ओबेसिटी आ रही है, एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, खेल बहुत कम खेला जा रहा है, यू नो, एवरीथिंग इज हाउस अरेस्ट. लॉकडाउन एक बहाना है, बट इसके पहले भी ये चलता था. तो बच्चों को एक्टिव रखने के लिए क्या करना चाहिए और उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा, यू नो, अच्छा बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए. ओवर टू यू सर. यस, थैंक यू सो मच. एंड जैसे कि शुरू में डॉक्टर सागर एंड डॉक्टर सोनाली ने ऑलरेडी कवर किया है कि बहुत सारे टिप्स आपको मिले होंगे फैमिली रिलेटेड. डॉक्टर सोनाली ने स्पेशली बहुत सारी चीजें बताई है फैमिली के लिए, ना ही ओनली लेडीज मगर द होल फैमिली. ओके, तो सेम थिंग वो बच्चों में भी वही होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि ये सिंस लास्ट वन ईयर दिस थिंग द पैंडेमिक इज गोइंग ऑन. ओके, और ये एक साल से जो गुजर रहा है, और इसमें क्या हो गया, शुरू में जब फर्स्ट वेव आई तभी क्या हो गया कि लॉकडाउन पूरी तरह से वो कंटिन्यू होते गया. ओके, और इसमें होगा क्या हुआ है कि स्कूल बंद हो गए सब सारे, और बच्चों लोगों को बाहर पार्क में जाना बंद हो गया है. फिर उसके बाद में कुछ उनका किधर पार्क में ना मॉल व्हील में घूमने के लिए बच्चों जो जाते थे वो सब पूरी तरह से बंद हो गया है. तो एक्टिविटी इतनी कम हो गई उनकी, जिसके कारण इवन बच्चों में भी ये इम्यूनिटी रिलेटेड सब चैलेंजेस हो गए हैं पैंडेमिक के कारण. ओके, और जिस तरह अभी आपने पूछा ना कि ये जो शुरू में हमको लगा कि ये कोविड ज्यादा बच्चों लोगों को अफेक्ट नहीं करता है, वो फर्स्ट वेव में इसी के कारण पता हमको लगा कि नहीं करता है, क्योंकि वो बच्चे लोग बाहर नहीं गए थे. ओके, स्कूल बंद थे, बाकी सब पार्क बंद थे, इसलिए बाहर नहीं गए थे. मगर सेकेंड वेव में ऐसा समझ में आया कि इवन बच्चे भी सफर हो रहे. ओके, जब इसे स्कूल चालू हो गया या बच्चे बाहर घूमने फिरने जाने लगे, उनको भी इन्फेक्शन मिला है, क्योंकि इवन उनका भी इम्यूनिटी नीचे आया है. जैसे आपने बोला कि मयूर, आप पूछे जैसे कि बच्चों में ये जो ओबेसिटी का जो कारण है, दैट इज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल. अभी जो बच्चे जो है उनकी पहली जो एक्टिविटीज हुआ करती थी वो एक्टिविटीज अभी बहुत सब कम हो गई है. और क्या हो गया कि उनका मैक्सिमम जो स्कूल घर पे आया है,
मतलब वो जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा टाइम तक वो मोबाइल फोन या तो फिर लैपटॉप के सामने बैठे हैं, और अगर वो नहीं है तो टीवी के सामने बैठे हैं। और क्या दूसरा, मतलब इवन मॉम डैड इज ऑल्सो, उनके मम्मी पापा भी सेम इसमें वर्क फ्रॉम होम होने के कारण वो भी बिजी हैं। तो हर एक जन एक एक अपना स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण उनका भी इंटरेक्शन भी कम होते जा रहा है, और बच्चों लोगों में भी एक थोड़ा सा लोनलीनेस महसूस होने लगा है उनको। तीसरी बात क्या है कि बच्चों का एक तो एक्टिविटीज कम हो गया है, दूसरा मतलब उनका जो टीवी या स्क्रीन ज्यादा स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ने के कारण बच्चे लोगों में एक तो क्या है स्लीप डिस्टर्बेंसेस आ गए हैं। वो अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो है ना आजकल इसमें यूट्यूब पे वो एक ये करते हैं, उसका नाम है ठीक है, एक एक जो गेम खेलते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा ऐसा इंटरएक्टिव गेम्स होते हैं, मैं उसका नाम भूल गया वो गेम का, ताकि वो ज्यादा करके वो आप एक दूसरे फ्रेंड्स को कनेक्ट होते हैं और वो टीवी के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो जिसके कारण अगेन ये भी उनका ये हो रहा है कि उनका थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ते जा रहा है ये गेम्स के कारण, जो इंटरएक्टिव गेम्स जो होते हैं ना उसके कारण। और ये भी एक ये है, जैसे कि हम बोलते हैं कि अपने चारों पिलर्स जो है वो चारों पिलर्स हमको पिलर्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा बच्चों के, अगर हमको उनको ये जो ओबेसिटी और जिसके कारण जो ये प्रॉब्लम्स अभी हम फेस कर रहे हैं बच्चों में, तो इसके लिए फोर पिलर्स तो आपको तो पहले बताया कि उनका एक्टिविटीज बढ़ाना चाहिए। अभी एक्टिविटीज कैसे बढ़ाएं क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, तो इसमें क्या करो कि बच्चों लोगों को है ना अपने घर के जो छोटा मोटा काम में भी इन्वॉल्व करो, घर के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो उनको। दूसरी बात, उनके साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, उनको ज्यादा जैसे कि उनको लोनली ज्यादा महसूस नहीं होना चाहिए, ज्यादा उनके साथ में टाइम स्पेंड करो, थोड़ा बहुत उनके साथ में हंसो खेलो, ताकि दे विल बी जैसे कि हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स है वो हैप्पी हार्मोन्स उनके भी एक्टिवेटेड रहे। ओके और तीसरी बात क्या है कि उनको टाइम पे खाना देना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो लॉकडाउन में है ना सब बिजी होने के कारण है ना, वो बच्चों लोगों का खाने का टाइम तो कभी रात को 10 बजे 11 बजे भी हो जाता है। तो अगेन दैट ऑल्सो दैट इज अ रीजन फॉर द ओबेसिटी इन चिल्ड्रेन। तो उनको अगर 8 बजे के पहले खाना वगैरह दिया जाता है तो अगेन उनका इवन दिस द ओबेसिटी का जो ये है वो भी कम हो सकता है, रेशो कम हो सकता है। फिर डेफिनेटली मैं जैसे बताया स्क्रीन टाइम करने से उनका ये होगा जल्दी पुट देम टू बेड एट दिस थिंग एट पर्टिकुलर टाइम कि इनको ये टाइम में उनको सुलाना है सोना है। जैसे कि डॉक्टर सोनाली ने बताया कि दीज आर द हैबिट्स यू हैव टू इवन बच्चों में भी आपको डालनी पड़ेगी ये सारी हैबिट्स, तभी तो उनको आगे चल के ये सब इश्यूज से ये हो जाएगा। एंड डेफिनेटली जैसे हम बोलते हैं कि न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि आजकल जो घर में खाना बहुत कम बन रहा है बिकॉज एवरीवन इज वर्किंग फ्रॉम होम, तो होटल से भी बहुत ज्यादा आने लगा है। ओके तो बच्चों को तो वही अच्छा लगता है होटल का खाना, वो दे विल प्रेफर मोर। ओके तो उनको ज्यादातर करके फ्रेशली कुक फूड घर पे अगर देते हैं तो दैट इज मोर बेटर। दूसरी बात, उनको पैकेट फूड्स जो आजकल इजीली अवेलेबल है, क्योंकि ये बच्चों में ना पैकेज फूड्स में जो एडिटिव्स जो होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं, तो प्रिजर्वेटिव्स का बहुत सारा ये एलर्जीज बच्चों में दिखाई दे रहा है आजकल। तो ये अगर पैकेट फूड जो है वो अगर कम करते हैं, फ्रेशली कुक फूड अगर उनको देते हैं, उनके न्यूट्रिशन पे वर्क करते हैं, उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उनकी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, क्योंकि ग्रोइंग एज में बच्चों में रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, एडल्ट से भी ज्यादा हो सकती है वो, क्योंकि उनका एक्टिविटीज उनका ग्रोथ ग्रोइंग इसमें एज में उनको देयर इज अ मोर रिक्वायरमेंट, सो यू नीड टू कैलकुलेट दैट अकॉर्डिंगली
उनका जो खाना पीना जो है दिन का वो ठीक से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी उसके लिए, जिसके कारण आपको जो न्यूट्रिशन भी बैलेंस होगा। तो ये जो अगर चार पिलर्स पे आप काम करते हैं तो डेफिनेटली ये जो इम्यूनिटी बच्चों में जो अभी ये है उसके ऊपर हम उनको हेल्प कर सकते हैं। सो मयूर, व्हाट एल्स यू नीड टू आस्क मी? परफेक्ट, आई थिंक दैट साउंड्स परफेक्ट। आई वुड जस्ट इनवाइट शर्ली हियर to take it over and give the closing remarks. Shirley, over to you. Yeah. Thank you so much, sir. आपने बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों के लिए कहा, लेकिन बस मेरा और एक क्वेश्चन है जो कि कहीं ना कहीं मुझे चैट में भी दिखाई दे रहा था, एंड आई थिंक ये कहीं मेरे अंदर में भी है कि इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए बच्चों के लिए हाउ इम्पोर्टेंट वेजिटेबल्स प्ले रोल, जो वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को ये कंसर्न एक रहता है कि बच्चे नहीं खा रहे हैं, और नहीं खा रहे हैं तो क्या करें हम, इसके बिहाफ में हमें क्या चीज करने की जरूरत है? तो सर, आई वुड रियली वांट कि अगर आप इस पे अगर कुछ आंसर दे सकें। देखिए, बच्चे तो क्या है कि हम बोलते हैं ना, किड्स आर फसी ईटर्स, तो वो जो है वो कभी जो अच्छी चीज है उनके लिए वो पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि समहाउ उनको वो अच्छी नहीं लगती है, तो हमको वो पेरेंट्स को जबरदस्ती उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है बना के। तो अभी प्रिपरेशन वाइज आप डेफिनेटली आप मतलब पेरेंट्स बच्चों के लिए जो अच्छी लगती है इन द फॉर्म ऑफ दिस थिंग कुकिंग में जो भी आप कर सकते हैं कि अलग अलग तरीके के जो रेसिपीज आप ट्राई करके सी टू इट की वो ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले। मगर आज दूसरी बात एक यह है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी बहुत सारी मिलावटें आ रही है, उसके पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण मैं बताया आपको कि बहुत सारे एलर्जीज और ये जो बच्चों में दिखाई दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इज अ पेरेंट्स को वो कंसर्न है। तो इसलिए मेरे ख्याल से डेफिनेटली नेचुरल फूड जो है वो आप तो देना ही है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स नेचुरल फॉर्म में तो देना ही है, मगर अगर हो सके तो अच्छे फॉर्म में अगर आपको कुछ प्रिपरेशंस मिले जिससे आपके बच्चों की प्रोटीन्स और जो विटामिन्स और मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो अगर पूरी हो सके तो वो ज्यादा उनको एक एडिशन टू देयर डाइट टू फिल द गैप, क्योंकि ये जो न्यूट्रिशनल गैप है ना वो भरना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर उनका क्या है कि डेफिनेटली इम्यूनिटी तो ये भी होती है मगर उनका ग्रोथ भी श्रिंक हो जाता है, उनका मेंटालिटी भी सफर होती है, उनका जो भी अभी बच्चों में दिखाई देते हैं कि एक तो वीकनेस टायर्डनेस और उनका शार्पनेस कम होते जा रहा है, क्योंकि वी हैव टू सी टू इट कि व्हाट द दिस अकॉर्डिंग टू देयर एजेस क्या रिक्वायरमेंट है उनकी वो देखना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच सर, वेरी वेल एक्सप्लेन। सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि बच्चों के लिए एज अ पेरेंट्स, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं इस बात से कि हमारा बच्चा ये नहीं कर पा रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो सर ने अभी वो सारी चीज़ें बताया कि हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हमने वो सारी चीज़ें अगर हमने फॉलो करना स्टार्ट कर दिए तो आई थिंक सो जो एक कंसर्न है कि बच्चों की इम्यूनिटी, और सर ने बहुत ये बहुत राइटली बिल्कुल कहा कि जब स्टार्टिंग में जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो हमने बच्चों को एकदम को अंदर कर दिया था, तो आई थिंक सो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ था कि उस समय शायद बच्चे इफेक्टेड नहीं हुए, लेकिन अब जब बाहर जा रहे हैं क्योंकि इतने समय एक साल तक तो अंदर बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं सारी चीजें, तो अब धीरे धीरे से बच्चों में भी अब ये प्रॉब्लम्स देखी जा रही है। लेकिन उसका एक बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे है कि हमें बच्चों का न्यूट्रिशन वैल्यू हमें देखना है कि क्या मेरे बच्चे का जो डेली एक जो रिक्वायरमेंट होता है क्या वो प्रॉपरली फुलफिल हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, and it is only just not for children, I would be saying this is for elders, सभी लोगों के लिए, कि अगर वो fulfill नहीं हो रहा है तो हमें उसके लिए क्या चीज ऐसी है जो कि हमें करना work करना बहुत important है। okay? So, अब हमने हमारे तीन experts से तो हमने जान लिया कि उन्होंने अपनी अपनी बहुत बढ़िया तरीके से उन्हें अपनी मतलब जो उनको पता था उन्होंने सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताई, लेकिन अब हम हमारे फोर्थ स्पीकर को यहाँ पर हम लोग वेलकम करना चाहेंगे, लेकिन उनको वेलकम करने के लिए मैं यहाँ पे मेरे कलीग अभिषेक को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। तो अभिषेक, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शर्ली, एंड चलिए अब चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट स्पीकर की तरफ, एंड आज हमारे साथ एक स्पेशल पर्सनालिटी जुड़ी हुई है, एंड हिज नेम इज फारूक तारापुरे, एंड सर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ही इज एन इंडियन सेलर,
उनको 1982 में अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था एंड उन्होंने 1984, 1988 एंड 1992 समर ओलंपिक्स एशियन गेम्स में कम्पीट किया हुआ है. सो वेरी वार्म वेलकम सर. एंड मेरा क्वेश्चन सर आपसे है कि आजकल हम सभी लोग इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज एंड एक्टिव लाइफस्टाइल हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में किस तरह से हेल्प करती है? ओवर टू यू सर. थैंक यू अभिषेक. लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन, बट व्हाइल आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन लेट मी विश शर्ली अ वेरी हैप्पी बर्थडे. एंड मैंने उनको मैसेज भी भेजा हुआ है, एक व्हाट्सएप मैसेज, उसके अंदर उसको मैं केक नहीं भेजा हुआ है, उसमें एक्सरसाइज का पिक्चर भेजा हुआ है. हैप्पी बर्थडे, सो यू मस्ट एक्सरसाइज. ऑलराइट, इज माय स्क्रीन क्लियर? ओके, थैंक यू. नाउ यू सी आई ये मैंने पहले ये फोटोग्राफ डाली है सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड कि ये स्पॉट क्या है, व्हाट वाज आई डूइंग. अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यू नो ये किस्ती है, ये हवा पे चलती है, यू नो, लेकिन इसको इस पोजीशन में रखने के लिए काफी सारा छोटा छोटा एफर्ट और काम करना पड़ता है. ओके, नाउ आई हैव बीन कम्पीटिंग फॉर इंडिया फॉर ओवर 40 इयर्स. ओके, 4 decades तक मैंने कम्पीट किया और लोग मुझे हमेशा पूछते थे कि आप 40 साल तक कम्पीट किया, हाउ इज इट दैट आप कभी भी सिक नहीं हुए या कभी भी आपको कोई इंजरी नहीं हुई? एंड द आंसर इज वेरी सिंपल. ओके, I used to get sick, but I used to get injury. But मैं exercise से मेरी immunity को boost करके रखता था और उसके लिए I was able to compete in all these events, which led to winning 2 world championships, 3-5 world championships medals, 8 Asian Games medals, and 8 Asian Championships medals. So over 40 years, won 18 medals for the country. अभी ये medals जीतने के लिए ये बहुत important था कि आप बीमार नहीं हो जाओ या आपको कोई खांसी सर्दी नहीं हो जाए. ओके, इसके लिए वी वर फॉर्चुनेट कि वी वर कनेक्टेड विद अ ह्यूज स्पोर्ट्स मेडिसिन टीम. 40-50 साल पहले ये इतना कॉमन नहीं था जितना आजकल है, बट स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्चुअली टॉट अस अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हेल्थ. और वी यूज्ड टू बी टोटली फोकस्ड कि भाई कुछ भी तरह से इंजरी नहीं होनी चाहिए और कुछ भी तरह से बीमार नहीं पड़ने चाहिए हम, सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद द स्पॉट. अभी दिस इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट बाय हिप्पोक्रेटिस. ओके, हु सेड दैट अगर आप इंसान को सही नरिशमेंट और सही एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं, वी वुड हैव फाउंड द सेफेस्ट वे टू हेल्थ. ये बहुत बहुत बड़ा प्रोफाउंड स्टेटमेंट है. अगर आप ये स्टेटमेंट को समझ सकते हो तो आप अपनी हेल्थ को बड़ा तंदुरुस्त रख सकते हो. अभी ये पेंडेमिक के समय बहुत सारा कंफ्यूजन है और पेंडेमिक के लिए लोग को ये लग रहा है कि ये हो रहा है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. लेकिन आपको एक चीज जानना है कि ओनली थिंग इन योर कंट्रोल इज आपकी इम्यूनिटी. आप दूसरी चीजों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो. बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज चल रही है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए. बट सबसे बिगेस्ट वेपन दैट यू हैव विद यू इज योर ओन इम्यूनिटी. अगर वो आप इम्यूनिटी को आप बूस्ट करके रखते हो तो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू हैंडल एनी प्रॉब्लम. ओके, एक्सरसाइज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखता है. ओके, और वो चीज आपके कंट्रोल में है, वो किसी के और के कंट्रोल में नहीं है. ये चीज बिल्कुल आपके कंट्रोल में है और आपको खाली एक डिसीशन देना है कि अगर मैं एक्सरसाइज मैं If I can do exercise, तो मेरी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग और बूस्टेड रहेगी. ओके, डेली डेलिब्रेट ये करना ही है. ये नहीं कि आज कर लिया, अभी 1 महीने के बाद में करेंगे, तो ऐसे एक्सरसाइज का कुछ फायदा नहीं होता है. जैसे कि कभी ट्राई किया है कोई, लोग जिम जाते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जिम्स मेक अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज पीपल टेक द न्यू ईयर, मेक द न्यू ईयर रेजोल्यूशन. उनको पता है कि ये लोग सिर्फ
पांच दिन आएंगे फिर नहीं आएंगे, इसीलिए दे टेक मोर पीपल देन द जिम कैन अकोमोडेट, ऑलराइट, एंड दिस इज अ नॉर्मल थिंग, बट ये आपको खाली एक छोटा सा डिसीजन लेना है कि मेरे को रोज एक्सरसाइज करना है, ओके, और मेरे को गेम के आगे रहना है, पीछे नहीं हो जाना है, ओके. एक्सरसाइज कैन नॉट बी बॉट, आप इसको खरीद नहीं सकते हो एक्सरसाइज को. अभी तक यू नो न्यूट्रलाइट कैन बी यू नो a great product, you know, it can help you in various ways, but Neutralite ne abhi tak ek bottle mein exercise bhar ke nahi diye ki aap ye le lo to aap exercise nahi kar sakte ho, you know, wo nahi hai. Exercise to aapko karna hi padega, okay. Royalty, okay, aap raja ho, you know, bade politician ho, aap you know industrialist ho, wo log exercise khareed nahi sakte hain, okay. सब लोग इक्वल है एक्सरसाइज के लिए, ओके. अगर आप मर्सिडीज ड्राइव करते हो तो भी आपको एक्सरसाइज खुद ही करनी पड़ेगी, आपको ही खुद जॉग करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, साइकिल करना पड़ेगा, कोई एक्टिविटी जो यू नो आपकी एरोबिक फिटनेस को इम्प्रूव कर सकती है. नाउ इम्यूनिटी ऐसी चीज है कि जब आपको चाहिए, जैसे लाइक इंश्योरेंस, यू कांट बाय इंश्योरेंस व्हेन यू नीड इट, ओके. जब आपको इम्यूनिटी चाहिए तब आप एक्सरसाइज शुरू नहीं कर सकते हो, ओके. इसको लिए आपको पहले से तैयार रहना पड़ता है, यू हैव टू प्रिपेयर योर बॉडी, क्योंकि जब आपको जरूरी पड़े आपकी इम्यूनिटी को, जब आपको कोई पैथोजन सामने का वायरस अटैक कर रहा है, तो इसीलिए आपको आपका बॉडी को स्ट्रांग बनाना है बिफोर इट अटैक्स यू. यू कैन नॉट मेक योर डिफेंसेस व्हाइल यू आर बीइंग अटैक्ड बाय द वायरस. So the body is always ready, you know. अगर आप exercise करते हो तो body आपकी fit रहेगी, आपका you know strong defense बनेगा, so virus अपने आप body में घुस नहीं सकता है. A strong immune response is your most trusted defense, और वो खुद आपके control में है, okay. इसको जरूर prepare कीजिए before you need it, okay. जब आपको जिसकी जरूरी पड़ेगी तब आप उसको नहीं, you know, you can't increase immunity at that time. Okay, abhi why walk is necessary. Now I'm going to just give you, you know, a little detail ke bhai walk mein kya kya hota hai na. Log bolte hain are thoda sa kuch nahi to kahi chal lo, you know, thoda sa. Abhi bol rahe hain lockdown mein, lekin chale bhi kahan, okay. Abhi to you can't go out of your house, meri building locked hai, meri society locked hai. Are lockdown curfew is not an excuse ki exercise nahi kare, okay. अगर आप एक्सक्यूज ही ढूंढ रहे हो ना तो लॉकडाउन की जरूरी नहीं है. कोई एनी एक्सक्यूज इज गुड इनफ, ओके. आपका घर में भी देर आर पीपल हु आर फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शंस, वो घर में भी आराम से 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल सकते हैं. आप एक इतना छोटा सा सर्किट बना दो, ड्रॉइंग रूम टू बेडरूम टू यू नो लिविंग रूम टू किचन, ओके. उसका राउंड करते रहो, ऑलराइट, और यू कैन डू द एक्सरसाइज, ओके. अभी मैं आपको दिखाऊंगा यू नो कि क्या होता है. पहले 1 से 5 मिनट जब आपने ब्रिस्क वॉक शुरू किया तो क्या होना शुरू होता है, यू नो, पहले एनर्जी, यू नो, इट स्टार्ट रिलीजिंग एनर्जी प्रोड्यूसिंग केमिकल्स टू फ्यूल योर वॉक. फिर आपका हार्ट रेट ऊपर जाएगा, 70 से 100 बीट्स पर मिनट पे जाएगा, बूस्टिंग ब्लड फ्लो. और ये ब्लड फ्लो क्यों इंपॉर्टेंट है, यू नो, एक सिंपल, एक हमारे बड़े गुरु थे वो बता करते थे कि लुक, If you rest, you rust, and if you rust, you die. All right. तो ये अपना जो जैसे मशीन होता है ना, उसको अपनी बॉडी को फिट रखना है. अगर उसको आप चलाते रहोगे, बेसिकली एक्सरसाइज क्या करती है, हाल चाल करनी है, मूवमेंट करना है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से बच के रहना है. तो आजकल लाइफ स्टाइल इतनी सेडेंटरी हो गई है कि जैसे डॉक्टर पाटिल ने बताया कि लोग अभी टीवी देखते हैं, अभी टीवी का बटन भी ऑन नहीं करते हैं क्योंकि रिमोट है हाथ में. ओके, अभी सब बोल रहे हैं कि अभी ये रिमोट को लाने के लिए भी एक रिमोट आ जाएगा आजकल, यू नो, अभी खाली इसे मुंह मिला दिया तो चालू हो जाएगी टीवी. तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहे, बिकॉज वही चीज जब आप एक्टिविटी करते हो तब आपके बॉडी में ब्लड फ्लो होता है और वो ब्लड फ्लो आपको हेल्प करता है. मैं आपको एक छोटा सा ये एग्जाम्पल देता हूँ कि यू नो 40-50 साल पहले जब कुछ भी स्पोर्ट्स इंजरी होती थी, लोग बोलते थे कि बस सो जाओ, टेक रेस्ट, ओके. फिर स्पोर्ट्स में पैसा आना शुरू हो गया, यू नो 10-10 मिलियन डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट हो गए शुरू. तो
डॉक्टर्स उनको वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिलियनर्स जो पैसे दे रहे थे बोले कि लुक हमने आपको अपॉइंट किया है इनको सोने के लिए नहीं खटिए पे ओके इनको कुछ करो एंड दे फाउंड स्पोर्ट्स मेडिसिन इज द फर्स्ट टू डिस्कवर दैट इफ यू यू नो अगर आपको कोई भी इंजरी हो उसका सबसे ईजीएस्ट वे टू रिकवर इज टू मेक द बॉडी मूव इन अ कंट्रोल फैशन ओके सो जब आप कंट्रोल फैशन के अंदर मूव करते हो तब आपकी रिकवरी ज्यादा तेज होती है क्यों बेसिकली एक ही सिंपल कि वहां आपका ब्लड फ्लो ज्यादा होता है और वो इंजरी एरिया के अंदर अगर ब्लड फ्लो आपका ज्यादा हुआ तो आपकी रिकवरी इतनी ज्यादा यू नो तेज होती है ओके मैं आई विल गो क्विकली ओवर हियर यू नो आपकी जो भी स्टिफनेस हो बॉडी विल स्टार्ट लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स जैसे यू नो तेल शुरू हो जाएगा जैसे आपके इंजन ऑयल होना चाहिए वो ऑयल शुरू हो जाएगा एंड योर बॉडी विल स्टार्ट टू मूव मोर इजीली यू नो यू विल स्टार्ट बर्निंग फ्यूल फिर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट स्टोर्स में से यू नो योर बॉडी विल स्टार्ट पुलिंग तो आपका यू नो बीएमआई भी ठीक रहेगा 6 or 10 minutes के अंदर क्या होता है ओके आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होती है अभी आपका आप ज्यादा यू नो कैलोरीज बर्न करना शुरू करते हो ओके आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा राइज होता है उससे केमिकल्स आपके बॉडी में से निकलते हैं और वो आपको यू नो ज्यादा हेल्प करते हैं कि आपका ब्लड एंड ऑक्सीजन वर्किंग मसल्स को पहुंचाने में ओके 11 टू 12 मिनट्स में क्या होता है बॉडी टेम्परेचर कीप्स राइजिंग ओके एंड पर्सपायर्स ब्लड वेसल्स नियर द स्किन एक्सपैंड टू रिलीज हीट ओके ऑल दिस आर बेसिकली हेल्पिंग यू टू टिपिकली हेल्प योर इम्यूनिटी टू यू नो बिकम बेटर एज यू इंक्रीज पेस और ज्यादा होता है ओके हॉर्मोन्स अच्छे सारे हॉर्मोन्स यू नो रिलीज होते हैं और आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है 21 टू 45 मिनट्स में यू फील रिलैक्स बॉडी टेंशन बिकम्स गुड ओके मोर फैट इज बर्न इंसुलिन ड्रॉप्स विच इज गुड फॉर यू नो डायबिटीज पीपल 46 टू 60 मिनट्स में क्या होता है मसल्स फील फटीग एज कार्ब स्टोर्स रिड्यूस ओके एज यू स्टार्ट टू कूल डाउन हार्ट रेट डिक्रीज होता है एंड योर ब्रीदिंग स्लोस डाउन ओके यू नाउ ये सब यू नो बहुत सारा इसके अंदर टेक्निकल इंफॉर्मेशन है विच इज नॉट विच आई ट्राई टू शेयर इन दिस यू नो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट रेगुलर एक्सरसाइज से अल्टीमेटली कंक्लूजन में क्या होता है ओके एक्सरसाइज विल बूस्ट योर आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा ओके इट विल हेल्प फाइट आपके इन्फेक्शन को फाइट करेगा आपके इम्यून सेल्स को यू नो टू परफॉर्म इफेक्टिवली उनको हेल्प करेगा क्योंकि ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा स्ट्रेस जैसे डॉक्टर फिरोज सागर ने बताया कि स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को नीचे रखना है आपकी इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए ओके आपकी एंटीबॉडीज को स्ट्रेंथन करेगा ओके नाउ हाउ मच टू एक्सरसाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड स्ट्रेनिंग मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप कल जाके मैराथन भागो बट ये भी मत सोचो कि एक आप गए बगीचे में यू नो गप्पे छप्पे मारे एक राउंड मारा और सोचा कि एक्सरसाइज हो गई ओके तो अगर टिक ऑफ करने के लिए अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको फायदा नहीं होने वाला है उसके लिए हमने काफी सारा रिसर्च किया है वी फाउंड कि क्या करना चाहिए कितना एक्सरसाइज जरूरी है कि आपको फायदा हो ओके ये आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए ओके फॉर मेंटेनेंस अगर आप बिल्कुल फिट हो कुछ नहीं है आपको तो मिनिमम आपको ब्रिस्क वॉक करना है 4 kilometers अंडर 40 minutes अगर आपने 4 kilometers कर दिया 80 minutes में तो उसका फायदा बहुत कम होने वाला है ओके इतनी स्पीड और इंटेंसिटी चाहिए अगर ये स्पीड और इंटेंसिटी आप नहीं दोगे तो आपके बॉडी में आपको फायदा आपका टाइम आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो ओके नाउ फॉर थेरोपेटिक इफेक्ट अगर आप थोड़ा सा बीमार हो ना ये दिस इज अ वेरी थिंग डिफरेंट लाइक अगर डॉक्टर्स के पास आप जाओगे वो बोलेंगे बीमार है थोड़ा रेस्ट करो सो जाओ ओके नहीं इन स्पोर्ट्स हमारी थियोरी अलग है कि अगर जब आप बीमार हो ओके तब आपको थोड़ा सा यू नो यू हैव टू गेट द बॉडी इन टू मोशन एज फास्ट एज पॉसिबल जितना आप आपकी बॉडी को मोशन में फास्ट डालोगे उतनी आपकी रिकवरी तेज होगी तो थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए मिनिमम जब भी मैं थोड़ा सा भी बीमार होता हूँ तब मैं मिनिमम ये सेम थिंग ब्रिस्क वॉक ट्वाइस करता हूँ द इफेक्ट ऑफ डूइंग इट ट्वाइस इज वे मोर देन यू नो पुटिंग डूइंग वन ट्वाइस ओके
और फिर थोड़ा सा बाइसेप्स बिल्ड कर लो, ट्राइसेप्स बिल्ड कर लो, एब्डोमिनल मसल्स बिल्ड कर लो ना, ये तो सब बोलना है कि ये बिल्ड कर दो बाइसेप्स का, इसके लिए मैंने आपको यू नो मैं क्या कर रहा हूँ इस ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, इसके लिए मैंने थोड़े से वीडियोस डाले हैं। अगर आपको बाइसेप्स बिल्ड करना है ये देखो सिंपल, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द जिम ओनली एंड लिफ्टिंग वेट्स, ये सिंपल मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये सिंपल जिसको पुशअप्स कहते हैं। Okay, now you do 20 of these. Okay, and that's enough. Okay, now ye triceps ke liye hai. Simple exercises. Aapko koi weights ki zaruri nahi hai. Aap ghar mein kar sakte ho. आपके ऑफिस में कर सकते हो, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो एब्डोमिनल एक्सरसाइज है ये हमने बहुत रिसर्च के बाद बात की है, ओके। ये एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है कि जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकती है, आपको कोई बैक पेन नहीं हो सकता है। अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे अभी, ये देखो ये ओनली 90 seconds के अंदर यू कैन डू 100। अगर ये आप 10 बार करो, जैसे अभी ये प्रोग्राम चल रहा था, मैं ऑलरेडी एक बार ये कर चुका हूँ। Okay, so don't waste your time. Even agar aap program dekh rahe ho, you know, you are on a Zoom meeting, you can always keep doing this. Agar aap ye karoge, okay, to aapka six pack ban jayega. Everybody has a six pack or a flat stomach. You just have to remove the excess. Aapko sabke paas six pack hai aur sabke paas flat stomach hai. Aapko sirf baju ki charbi nikalni hai. Okay, agar aapne baju ki charbi nikal di, तो आपका सिक्स पैक बन जाएगा, ओके। ये होगा रिजल्ट, अगर आप उतना एक्सरसाइज करोगे तो ये आपका रिजल्ट मिलेगा। ऑलराइट, सो अलोंग विद न्यूट्रल लाइट मेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग डेली, इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, ओके। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी, बी द पॉजिटिव इफेक्ट अराउंड यू, okay, let us work together to make everyone around us healthy and fit. Okay, thank you. I have finished with my presentation. Thank you so much, sir. And it was amazing, है ना? बहुत बढ़िया तरीके से आपने ये बताया। अब देखिए, अब हमारे में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम दिन भर हम लोग सेशंस में रहते हैं और हम कुछ नहीं कर, देखिए हमारे डॉक्टर राम सर भी स्माइल कर रहे हैं कि देखो आप तो सर ने बता दिया है, है ना? तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने बताया कि आपको एक भी मिनट आपका वेस्ट नहीं करना है, है ना? बैठे सर ने बोला कि अभी जब दूसरे स्पीकर्स जब बात कर रहे थे उसी बीच में उन्होंने अपना एक राउंड उन्होंने कंप्लीट कर दिया था, ठीक है? तो आई थिंक सो दिस इज समथिंग वेरी गुड। यानी मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार क्या करना चाहिए, एंड आई थिंक सो मैं, मयूर, अभिषेक, है ना, हमारी पूरी की पूरी वेस्ट मार्केटिंग टीम, वी ऑल, यानी हमारे लिए तो बहुत यूजफुल चीज सर आपने बताई कि जब हम लोग इस तरीके से जब हम लोग सेशंस लेते हैं या फिर हम दिन भर अगर हम सिटिंग जब हम वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली एप्स तो सबके रहते हैं लेकिन वो बहुत जरूरत से ज्यादा दिखने वाले एप्स हो जाते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर पाते। तो अगर हमें दिखने वाले अगर एप्स चाहिए तो उसके लिए आई थिंक सो हमें ये एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। हमारे जितने भी जो ये 4 speakers थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आपको ये सारी जो इंफॉर्मेशन जो उन्होंने देना था वो उन्होंने अमेजिंग तरीके से दिया है। उन्होंने सच में बताया कि हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ में वो जब आपने अगर उनको जब आप सुन रहे थे तो वो एक बात बहुत अच्छी बोल रहे थे या एक बात वो बहुत अच्छी तरीके से वो बता रहे थे कि आपको क्या चीज आपको करना है, आपको क्या देखने की जो आपको जरूरत है वो ये है कि हमें से हर किसी को जो हमें वर्क करना चाहिए या जो हमें देखना चाहिए वो हमें है कि हमें से हर किसी को न्यूट्रिशन वैल्यू अपनी काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है ना। हमें हमारे न्यूट्रिशन को ट्रैक रखना। अब हमें न्यूट्रिशन हम कैसे लेकर आए, कैसे, है ना? तो जैसे अगर हम देखें तो अभी सर ने, तारापुरी सर ने बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया उनकी फिटनेस का, उन्होंने राज आपको बताया कि न्यूट्रलाइट, है ना, वो न्यूट्रलाइट को उन्होंने अपने डाइट में, उन्होंने अपने डेली शेड्यूल में उन्होंने मिक्स किया हुआ है। तो अगर आप और मैं अगर हम बात करते तो हमें यही चीज आज हमें देखने की जरूरत है कि आज क्या मेरा विटामिन, क्या मेरा सही मात्रा में जा रहा है, क्या मेरी बॉडी में सही मात्रा में प्रोटीन इनटेक क्या सही है ना।
जैसे सोनाली मैम बता रहे थे कि हमें सुपर वुमन्स बनने के लिए सबसे पहले तो हमें खुद अपने ऊपर में ध्यान देने की जरूरत है, तो क्या हम डेली मल्टीविटामिन क्या हम रोज ले रहे हैं? इफ यू आर नॉट टेकिंग, है ना, तो हमें क्या चीज हमें करने की जरूरत? तो मैं जल्दी से मैं आपके साथ में मैं सिर्फ एक ही चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इम्यूनिटी जो है, देखिए इस पेंडेमिक में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब अपने अपने इम्यूनिटी का ख्याल रखें, है ना। अब इम्यूनिटी का ख्याल अगेन डाइट में अगर जहां पर सवाल आता है तो कहीं ना कहीं डाइट में आज वो सारी चीजें मिसिंग है। आज उस तरीके से आज डाइट में हम लोग अपना जो न्यूट्रिशन जो है वो हम उसको इंटेक नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चैलेंज आ रहा है। तो हमें क्या चीज हमें करने की जरूरत है, हमें ऐसी कौन सी सप्लीमेंट्स है जो कि हमें विदाउट फेल हमें ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है? कौन सी सी चीजें सप्लीमेंट्स है जो कि हम में से हर किसी को लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्या हम उसको ले रहे हैं? अगर नहीं ले रहे हैं देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो हमें कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसे हमें ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो अगर मैं इम्यूनिटी बास्केट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमने मेक श्योर हमने ये कर लेना चाहिए कि ऑल प्लांट प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज हम अपने डाइट में विदाउट फेल हम लोग ऑल प्लांट प्रोटीन को हम लोग ऐड करें। देन नेक्स्ट जो हमें सप्लीमेंट्स ऐड करना है दैट इज मल्टीविटामिन, है ना। मल्टीविटामिन जहां पर आता है क्योंकि अगेन हम लोग डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे, तो वहां पर डेली मल्टीविटामिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन अभी आप सब लोग जानते हैं कि जिस तरीके का पेंडेमिक चल रहा है वहां पे हमें हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए विटामिन सी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। तो विटामिन सी के लिए हम लोग क्या करें, तो उसके लिए अभी आप सभी को पता है कि हमारा जो न्यूली न्यूट्रीलैक की फैमिली में जो हमारा जो प्रोडक्ट आया हुआ है न्यूट्रीलैक सी, जो हमको हर किसी को जो लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है विटामिन, वो हमें से हर किसी को क्या करना है कि हमें उसे इंक्लूड कर लेना है, वो बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो हमें हमारा जो विटामिन सी जो हमारा है हमें उसे जरूर हमने उसे ऐड कर लेना चाहिए, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो उसे बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल करेगा। तुलसी, है ना, तुलसी की जहां पर बात आती है तो देखिए जैसे कि जो थोड़ा सा जो कफ कोल्ड जो सारी चीजें होती है ना, अभी आयुर्वेद के तरफ में अगर हम लोग जा रहे तो वहां पे तुलसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो क्या मैं रोज तुलसी ले रही हूँ, ले रहा हूँ? अगर नहीं ले रहे हैं तो आई थिंक सो हमने अपनी जो बास्केट है उसमें हमने तुलसी को एड ऑन कर देना चाहिए। देन च्यवनप्राश, है ना, च्यवनप्राश को लेकर हमें से बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं कभी कदर ये मिथ होता है कि जो च्यवनप्राश है वो केवल हमने विंटर्स में लेना चाहिए या फिर ठंडियों में लेना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग अगर बात करते हैं हमारे न्यूट्रीलाइट च्यवनप्राश के बारे में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करेगा, वो आपके कोल्ड एंड कॉफ में आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट लेकर आने का काम करता है, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपके जो रेस्पिरेटरी जो कंसर्न्स है उसमें आपकी हेल्प करेगा। सो हमें से हर किसी को क्या करना है कि अपनी जो इम्यूनिटी जो बास्केट है उसमें हमने च्यवनप्राश को विदाउट फेल हमने ऐड करना है। साथ ही साथ रेस्पिरेटरी के लिए अगर हम लोग बात करें जो कंसर्न्स है उसमें वसाखा मुलेठी एंड सुरसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट क्योंकि ये जो अभी हम लोग ने ये जो प्रोडक्ट्स आपको जो हमने बताए हैं दीज आर फॉर एल्डर, उसी तरीके से अगर हम किड्स में अगर हम आते हैं तो हमारे पास में किड्स रेंज की बास्केट में पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स मौजूद है। क्यों ना हम वो किड्स रेंज की बास्केट में हम वो प्रोडक्ट्स को लेना स्टार्ट कर दें। किड्स के हमारे पास में सी मौजूद है, मल्टी विटामिन हमारे पास में मौजूद है, हमारे पास में किड्स ड्रिंक मौजूद है, क्यों ना हम लोग वो किड्स रेंज की जो बास्केट में हम उसको लेना स्टार्ट कर दें। और एक और अगर मैं इम्यूनिटी में अगर मैं एक प्रोडक्ट को जो मैं ऐड करना चाहूंगी, लास्ट टाइम भी मैंने अपने सेशन में मैंने बोला हुआ था आई थिंक सो आप सब ने इसको, कि अगर हमें हमारी इम्यूनिटी को अगर और अच्छा रखना है तो अगेन उसके लिए लीवर हमको हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लीवर को हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं, उसके लिए क्या है हमारे पास में न्यूट्रीलाइट में, तो वो है हमारा मिल्क थिसल, है ना, मिल्क थिसल विद डैंडेलियम। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अगेन आपके लीवर को बहुत अच्छी तरीके से हेल्दी रखता है, और साथ ही साथ इसमें जो टर्मरिक है वो इस पेंडेमिक में अगर हम बात करें तो उसमें आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत बढ़िया तरीके से रिजल्ट देता है। ठीक है, सो ये हमारे सारे के सारे सप्लीमेंट्स हैं। आपने बस एक ही चीज करना है, कोशिश करना है। जिंक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब जिंक आपको कहां से मिलेगा, तो जिंक के लिए हमारे पास में हमारा कैल्मेक डी मौजूद है, क्यों ना हम लोग कैल्मेक डी लेना स्टार्ट करें। और कैल्मेक डी की तो अभी तो सबसे अच्छी बात है कि उसमें आपको जिंक भी मिल रहा, कैल्शियम भी मिल रहा, और सबसे अच्छी बात है कि अभी उसमें ऑफर भी चल रहा है, तो क्यों ना हम उसको हम लोग ले ले ताकि हमारी वो जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी फुलफिल हो सके। ठीक है, सो ये कुछ ऐसी जो एक बास्केट है या ये कुछ ऐसा एक रेंज है
जो कि हमें से हर किसी को ध्यान में रखना और हमें उसे कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जिस तरीके से आपने देखा कि हमको डॉक्टर सागर ने बताया, डॉक्टर सुरेश पाटिल ने बताया, सोनाली मैम ने बताया, एंड देन आपने फारूक तारापुरी सर से सुना कि उनके फिटनेस का राज क्या, और उन्होंने आपको बताया भी, करके भी दिखाया, ठीक है। तो हमें आई थिंक सो वो सारी चीजों को अगर हम फॉलो करते हैं ना, हम में से हर कोई बहुत बढ़िया तरीके से फिट रह सकता है, ठीक है। सो अब हम लोग जल्दी से हम लोग एक दो क्वेश्चंस हम लोग लेना चाहेंगे अगर आपके एंड से है, ठीक है। अगेन मैं चाहूंगी किसी भी प्रकार की बीमारियों के बारे में हम लोग क्वेश्चंस को ना डालें, क्योंकि वो ऐसा हो जाता है कि इसके लिए क्या करना है, उसके लिए नहीं। लेकिन अगर आपको जनरली अगर आपको ऐसा लगता है कि हम में से हर किसी को अगर कोई क्वेश्चंस अगर आपको अगर पूछना है, अगर आप जानना चाहते हैं, ठीक है, सो वी विल सी कि अगर हम वो क्वेश्चंस को अगर हम ले सकते हैं। लेकिन अगेन इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए अगर आप फारूक सर से कुछ पूछना चाहते हैं, सागर सर से कुछ पूछना चाहते हैं, डॉक्टर सुरेश पाटिल से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, यस ऑफ कोर्स आप लोग ओमेगा 3 को यस ऑफ कोर्स हमें ऐड करना, क्योंकि दैट इज गुड फैट, वो आपके जो हमें रिक्वायर्ड होता है ईपीए एंड डीएचए उसको फुलफिल करने का काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। सो अगर आपको अगर कोई क्वेश्चन, तो मैं चाहूंगी आप लोग हैंड रेस करें, इस बार चैट में नहीं करेंगे हैंड रेस करें, लेकिन अगेन मैं बोली किसी बीमारियों के लिए हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। बढ़िया सा एकाध अगर कोई क्वेश्चन है जो कि आप फारूक सर से अगर आप पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली, या फिर अगर सप्लीमेंट्स अगर रिलेटेड है तो उसको मैं उसको आंसर करूंगी, ओके। तो यहाँ पर हम धवल पटेल सर, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, वहां से आप अपने आपको अनम्यूट करिए। थैंक यू मैम, शर्ली मैम, एंड विश यू अगेन हैप्पी बर्थडे। मैम मेरा यहाँ ये क्वेश्चन है कि फॉर ए किड्स वेट गेन व्हाट वी शुड गिव देम इन अ न्यूट्रल लाइफ, मल्टीविटामिन सही मात्रा में दीजिए, थोड़ा सा बच्चों के फिजिकल एक्टिविटी पे जैसे मैं सर ने बताया था उसी तरीके से आप उस पर ध्यान दीजिए, ये डेफिनेटली उनको वेट गेन में बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प करेगा। थैंक यू मैम, वेलकम। ओके, सो यहाँ पर आई एम सीइंग क्वेश्चंस, यस देशमुख सर आप पूछ रहे कि इम्यूनिटी बास्केट वाले, डेफिनेटली सर मैं आपको वो सेंड कर दूंगी वो पूरे प्रोडक्ट्स का नाम, व्हाट्सएप आई विल डू दैट टू यू, ओके। एनी अनदर क्वेश्चंस जो आप लोग अगर पूछना, कैमरा अगर ऑन रह के अगर मैं अगर देख सकती हूँ तो यस, अगर कोई लोग अगर तारापुरी सर से अगर कुछ पूछना चाहते हैं सर के बारे तो यस, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। केतन जी, यस केतन जी अनम्यूट करिए वहां से अपने आप को। ओके, हैप्पी बर्थडे मैम, थैंक यू। जैसे ये किड्स के लिए बताया, ठीक है, तो काफी सारे लोग हैं एडल्ट्स में जहाँ पे मेरे बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो मसल गेन और वेट गेन के लिए काफी टाइम ऐसा होता है कि प्रोटीन भी वो लोग लेते हैं, डाइट भी लेते हैं, लेकिन वेट गेन नहीं होता एडल्ट में, ठीक है, तो वो सेम क्वेश्चन है मेरा कि एडल्ट को क्या सजेस्ट करना चाहिए। सर एडल्ट्स के अगर हम लोग, तो मयूर आप भी है यहाँ पर, तो आप आंसर करना चाहेंगे या शर्ली? आई वुड लाइक टू आंसर दैट, दैट्स अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ माइन, यस, ओके। सो एडल्ट्स की अगर मैं बात करूं आपसे दोस्तों, और अगर हम वेट गेन की बात करें, तो हम ऑलवेज वी ट्राई एंड फोकस ऑन नॉट वेट गेन थ्रू फैट बट वेट गेन थ्रू मसल्स, और वेट गेन मसल से तभी होता है, आपके मसल को दो प्रकार की एनर्जीज लगती है व्हेनेवर इट इज ट्राइंग टू यू नो इंक्रीज द साइज और गेन, वन इज हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर इज गुड क्वालिटी प्रोटीन। तो आपको कैलरी सरप्लस में जाना है, पहली चीज आप जाएंगे कैलरी सरप्लस में, दिस इज रूल नंबर वन। कैलरी सरप्लस का मतलब है अगर आपका मेंटेनेंस कैलरी 2000 कैलरी है तो आपको 2000 कैलरी से ऊपर आपका इंटेक लेना है, मतलब मान लीजिए 2200 या 2300 कैलरी, तो ये आपका 2300 कैलरी का जो चार्ट है, अब वो 2300 कैलरी में आपका जो बैलेंस रहेगा, फूड पिरामिड रहेगा, दैट विल बी 50% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 30% ऑफ हेल्दी फैट्स एंड 20% विल कम फ्रॉम प्रोटीन विच इज लीन हेल्दी प्रोटीन। यहाँ पे आप एक्सेस वे को डालिए, आप ऑल प्लांट प्रोटीन को डालिए, हेल्दी फैट्स में आप ओमेगा लीजिए, विटामिन्स मिनरल्स के बारे में शर्नी ने आपको ऑलरेडी बताया है, एंड कार्बोहाइड्रेट्स पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो कार्बोहाइड्रेट्स वो रहेंगे जो कॉम्प्लेक्स नेचर के हों, जैसे कि अगर आप पोटैटो खाते हैं तो वी शुड नॉट हैव पोटैटोज फ्राइड और यू नो एनी अदर टाइप, यू कैन बॉइल और बेक इट। अगर आप रतालू खाते हैं तो बेक इट, अगर आप स्प्राउट्स खाते हैं तो उसे कम तेल में बनाएं। सो ऑल दिस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच हैज फाइबर विल हेल्प यू इन गेनिंग मसल्स, एट द सेम टाइम प्रोटीन विल सपोर्ट द रिकवरी। तो इसको आप रखिए, कैलोरी सरप्लस में रहिए, इट विल हेल्प यू इन यू नो गेनिंग
प्रोडक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वापस से रिपीट करता हूँ, एक्सेस वे, ऑल प्लांट प्रोटीन, डेली, ओमेगा, कैलमैक डी, दीज आर बेयर मिनिमम. देन वी ऐड, जब भी हम वेट गेन की बात करते हैं, मसल्स की बात करते हैं, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे आप ऐड करेंगे नेचुरल सी, सॉरी विटामिन सी विच इज़ द न्यू प्रोडक्ट, सो आप वो ऐड करेंगे एंड देन यू नो यू कैन अकंपनी नेचुरल बी ऑल्सो. तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आप उसमें ऐड करेंगे. ओके सो आई थिंक सो एक क्वेश्चन है जो हमें बार बार आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सअप भी किया, मयूर को भी किया हुआ है, तो वो है फारूक सर के लिए. सर वो एक बार आपका वो वीडियो अगर आप फिर से अगर प्ले कर सकते हैं तो वो उसको फिर से देखना चाहते हैं, इफ यू कैन जस्ट शेयर योर स्क्रीन कि आपने वो जो बताया था पुशअप वाला कि कैसे करना चाहिए, तो आई थिंक सो कुछ लोगों ने उस समय मिस कर दिया है, सो दे ऑल वॉन्ट टू सी. एंड देन उसके बाद में मनीष जी फिर आप पूछ सकते हैं आपको जो. थैंक यू मैम, थैंक यू. Yeah, just give me a minute. I'll share. Yes, sir. Yeah. So, जब तक सर शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, तब तक मनीष जी आप पूछ लीजिए आपका क्वेश्चन. शर्ली आपको एक बार फिर से हमको अनम्यूट करना पड़ेगा. ओके. मनीष जी, can you raise your hand one more time? Yeah, I think so. भी आ गया. Yes. So, आप सब लोग वीडियो देख सकते हैं. I think so. गिरीश सर, आपने पूछा था मुंबई से, गिरीश सर. तो आप देख सकते हैं कि सर ने क्या बता रहे हैं कि सर पुशअप किस तरीके से करते हैं. दिस इज टू बेसिकली बिल्ड बाइसेप्स. ओके. दिस पार्ट ऑफ योर मसल. ओके. ओके. वंस अगेन हैप्पी बर्थडे शर्ली मैम. थैंक यू सो मच मनीष जी. थैंक यू फॉर गिविंग चांस. शर्ली मैम, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, मेरी डॉटर हार्डली 3 इयर्स की है और बच्चों की हैबिट होती है खाना टाइम पे नहीं खाना, और कुछ समय पहले जब वो 8 मंथ की थी उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो दोनों पैर में उनका प्लास्टर था, राइट लेग की वजह से लेफ्ट लेग में भी. तो मैम मैंने डॉक्टर से कन्फर्म किया था, ही सजेस्टेड मी किड्स ड्रिंक कि ले सकते हैं, लेकिन मेरे जो अपलाइन है उन्होंने कहा था 1/4 स्पून देने के लिए. अब वो 3 इयर्स की हो गई है तो कभी कभी आधा चम्मच एक चम्मच ले लेती है, लेकिन इसके अलावा और क्या ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी सप्लीमेंट है अबव 4 इयर्स है, अब वो हार्डली थ्री इयर्स की है तो उसको क्या देना चाहिए ताकि उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर हो जाए. किड्स ड्रिंक लेती है लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस सर एक्चुअल में अभी तो कुछ भी नहीं है, सो आई थिंक सो बस ये किड्स ड्रिंक ही दीजिए और बाकी का सारा हमारा आफ्टर 4 इयर्स ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे चू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो फारूक सर एक बार आपका वो टमी वाला भी बता दीजिए, तीनों वो वीडियोस आपके एक बार दिखा दीजिए. ठीक है, तो आप लोग प्लीज इसको नोट कर लीजिए और सब जो देख रहे हैं मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग करेंगे उसमें वो एक्सरसाइज जो सर ने अभी आपको बताई है ना उसको फॉलो करेंगे. और इसी बीच में या तो आप देख सकते हैं आई थिंक सो ये सबसे यूजफुल वाला है हम सभी लोगों के लिए. यस पवन जी सर बता रहे हैं एब्डोमिनल वाला. दिस इज द एब्डोमिनल वीडियो. नाउ see again if you do like 50 times it's not going to make any difference. You have to do 100 times is one set and you got to do 10 in a day. So when you do 1000 in a day you get that. Now ek set takes only 90 seconds, so you know you can do like when you're watching even television. Like my theory is simple, even while doing watching bad commercial if you do this you'll have a flat stomach. Okay, but most people will die with a flabby stomach. Why? Because they don't make a decision कि ये करना है और ये important है. Yeah, ठीक है. Thank you so much sir. देखिए सर ने बहुत अच्छी चीजें बताई है कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं. लेकिन अगेन सर ने ये भी बहुत क्लियर किया है कि आपको एक बार ही अगर करेंगे तो उसमें कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. आपको मेक श्योर करना है कि आपको इसको कंटिन्यू रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, सो आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सारे के सारे फुलफिल हो चुके हैं सभी को. लास्ट हम लोग ये क्वेश्चन को लेकर देन वी विल जस्ट वाइंड इट ऑफ. विजय सर इज देयर. यस यस विजय सर अनम्यूट योरसेल्फ.
सर नॉट एबल टू हियर यू सर, सुन नहीं पा रहे हम आपको. एक बार आपका ईयरफोन निकाल लीजिए फिर बोलिए सर. ओके, कैन यू हियर मी नाउ? या नो, वी कैन हियर यू सर. ओके, गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे. Thank you so much. My question is to Dr. Farooq Tarapur. What is the equivalent of 40 minutes, 4 kilometer walk within your house? Yeah. If I'm unable to go for the walk, yeah. 40 minutes, 4 kilometers, so what is the equivalent? Yeah, basically, it's just a simple distance to time game. And you need to measure, make a small little circuit in your house, depending upon the size of your house. Let us say one little circuit from your living room to bedroom to your you know, other bedroom into your kitchen is say 20 meters. All right. You just got to divide 4,000 by 20 and do it that many number of times and ensure that you got a stopwatch running, which will tell you that you've done it in less than 40 minutes. Okay, and this is not something that we have just you know, that we are just saying, because there are a lot of people in my team who have started doing this during the time of the pandemic and have lost more than 15 kilos of weight just by doing that in the house, not going out at all. Okay, so they have been able to do that in the house. But in this pandemic, you will be colliding with your wife 10 times at least. Shirley, unmute yourself. Yeah. Thank you so much for asking this question. And I think so, sir ने बहुत इजी तरीके से बता दिया है. और मैं हमारे आज के जो चारों हमारे जो स्पीकर्स थे, मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि वो चारों ने बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी को बताया. तो मैं डॉक्टर सागर को, सोनाली मैम को, है ना, फारूक सर को, सभी को मैं, एंड डॉक्टर सुरेश पाटिल को, सभी को मैं थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने आज बहुत अच्छी जानकारी दी है. एंड आई बिलीव कि जो भी आपको बताया गया है कि आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ सकती है, वो सारी चीज़ों पे अब हमें वर्क करना स्टार्ट करना है. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सुन तो लेते हैं और हम सोचते हैं कि सप्लीमेंट्स भी वहाँ पे घर पे हम रखी रहती है, लेकिन हम उसको लेते नहीं हैं. जब तक हम लेंगे नहीं, आई थिंक सो फायदा नहीं होगा. और अगर हमारे पास में हमारे जो सप्लीमेंट्स अगर अभी तक अगर हमने ऑर्डर नहीं किए हैं, अगर हमारे कुछ लोगों के इसमें अगर उसमें से कुछ मिसिंग है, आई थिंक सो दिस इज द राइट टाइम कि हमें से हर किसी को सप्लीमेंट्स अपने जरूर हमने क्या करना चाहिए, ले लेना चाहिए, है ना. सो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं अपने चारों स्पीकर्स को बताना चाहूंगी कि हमारे सारे लोग चाह रहे हैं कि फिर से हम डॉक्टर सागर को इन्वाइट करें, हम फिर से हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए हम फिर से फारूक सर को बुलाएं, सोनाली मैम को, एंड देन पाटिल सर को. तो डेफिनेटली फीडबैक टेक इन. Definitely हम लोग session, हम लोग जब भी हम कभी plan करेंगे, definitely we'll do this. Okay? So thank you so much everyone for joining in. And if Mayur would like to add something, then we can wind it off. No, that's it, Shirley. I think we are running out of time. But yes, thank you so much for joining in, friends. मैंने देखा बहुत सारे सवाल exercise को लेकर थे. तो आप exercise के लिए हमारे weekend का वार हर Sunday को connect कर सकते हैं. And you can do workout with us. Thank you so much for coming in. Yeah, और हम एक बार ऐसा कर सकते हैं मयूर कि एक दिन हम सर को अपने वीकेंड के वार में हम लोग इनवाइट जरूर हम लोग करेंगे और सर की एक्सपर्टीज हम लोग जरूर उसमें हम देखेंगे कि सर जो इतने फिट है सारी चीजें, तो सर किस तरीके से अपना वो एक्सरसाइज करते, क्या चीजें करते. हम कोशिश करेंगे इफ सर कैन जस्ट जॉइन अस फॉर दिस वीकेंड का वार आल्सो. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट. एंड हमारे चारों स्पीकर्स को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू सो मच. अब हम सब लोग लॉग आउट कर सकते हैं. And thank you everyone for your this warm wishes. Thanks a lot. Thank you everybody. Thank you so much for the guest.